हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। महाभारत युद्ध का राज श्री कृष्ण के अलावा एक और इंसान जानता था। आखिर कौन था वो, जरूर देखिए। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध लड़ा गया जिसे महाभारत कहते हैं। महाभारत के महायुद्ध में इतने लोगों के रक्त बहे कि कुरुक्षेत्र की वह भूमि सदियों बाद भी लाल है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन था जिसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बेगुनाह लोगों के रक्त की नदियां बहा दी थी। जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले श्री कृष्ण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा और करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के अलावा एक और इंसान भी था जिसे इस युद्ध के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन श्री कृष्ण के भय से उसने भी भविष्य का सच सबसे छुपा कर रखा और इन सब घटनाओं से अनजान बनकर पांडवों के साथ कष्ट भोगता रहा। कौन था वह जिसे महाभारत युद्ध का राज पता था? महाभारत युद्ध का राज जानने वाला श्री कृष्ण के अलावा जो अन्य व्यक्ति था वह खुद पांचों पांडवों में से सबसे छोटा भाई सहदेव था। सहदेव के विषय में कहा जाता है कि इनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की क्षमता थी। यह क्षमता इन्हें अपने पिता से मिली थी। एक कथा के अनुसार पांडवों के पिता महाराज पांडु जब मृत्यु शैया पर थे उस समय उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद सभी पुत्र उनके शरीर को खाएं। कारण यह था कि पांडु चाहते थे कि उनके पास जो ज्ञान है वह सभी पुत्रों को मिल जाए, लेकिन सिर्फ सहदेव ने ही पिता की आज्ञा का पालन किया और सिर के 3 टुकड़े खाए। इससे सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। सब जानते हुए भी क्यों चुप रहे सहदेव? भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की जानकारी होने पर भी सहदेव का चुप रहना अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वह उन सभी परेशानियों से जूझता रहा जिनसे अन्य पांडव जूझ रहे थे। इसका कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि भविष्य का राज वर्तमान पर जाहिर हो और वह घटनाक्रम बदले जिसकी रचना वह कर चुके थे। सहदेव की जुबान को बंद रखने के लिए श्री कृष्ण ने सहदेव को एक श्राप दे रखा था जिसके अनुसार अगर सहदेव भविष्य का राज खोलता तो उसकी मृत्यु हो जाती। श्री कृष्ण के श्राप के भय से सहदेव ने महाभारत युद्ध का राज अपने सीने में दबाए रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही हम आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।